हेलो एवरीबॉडी, आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि हम अपनी पेट्री प्लेट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। पेट्री प्लेट प्रिपेयर करने का मतलब यहाँ पे क्या है मेरा, कि न्यूट्रिएंट अगार के साथ अपनी पेट्री प्लेट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें ये क्या करना है, अपनी एक पेट्री लेनी है, उसके अंदर क्या करना है, अपने न्यूट्रिएंट को, जो हमारा न्यूट्रिएंट अगार मीडिया है, ये मेरे पास पहले से ही, क्योंकि मैंने उसको यूज़ कर लिया है तो कुछ ही बचा हुआ है, तो मैं देखूंगी कि ये मेरी 3 पैटरी में आएगा, 4 में, तो उसके हिसाब से मैं इसको पोर करके रख दूंगी। क्योंकि जो हमारी पैटरी होती है उसमें कोई हमारे पास लिमिटेशन नहीं होती है, 15 to 20 ml मीडिया एक पैटरी में जाता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही देखूंगी कितना बचा है। ओके, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपनी चारों पैटरी यहाँ पर लगा के रख रही हूँ, और उसमें मुझे क्या करना है, अपना मीडिया पोर करना है। ये जो मीडिया मैं पोर करूँगी वो किसके लिए, स्ट्रीकिंग के लिए काम आ सकता है, स्प्रेडिंग के लिए काम आ सकता है। तो मैं, ये देखिए मीडिया है मेरे पास, मैं इसको क्या कर रही हूँ, ओपन कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो हमारे नेक पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या, मेरे को क्या करना है, उनको किल करना है बाय हीट स्टरलाइजेशन। ओके, और अब मैं क्या करूँगी, स्टेप बाय स्टेप मुझे क्या करना है, ये जो हमारी पैटरी है इसके माउथ को क्या करना है, ओपन करना है। ओके, और इसमें क्या करना है, अपना मीडिया पोर करना है। तो मैंने क्या करना है, ये देखिए, अच्छे से अपने मीडिया को इसमें पोर करना है और पैटरी को क्लोज करते जाना है। ओके, इसको थोड़ा घुमा रही हूँ मैं, देन अगेन तो आप देख रहे हैं कि ये मीडिया मेरा क्या हो गया, यहीं पर ख़त्म हो गया है। तो मैं और बैटरी फ़िलहाल नहीं बना रही हूँ, इसको ब्लैंक छोड़ रही हूँ। ओके, तो ये क्या होगा, अब हम इसको अलाउ करेंगे फॉर सॉलिडिफिकेशन। ये देखिए मैंने पहले भी पीछे 3 प्लेट बनाई हुई है, मैं देखती हूँ शायद ये सॉलिडिफाई हो गया होगा। तो ये देखिए, ये अगार हमारा क्या हो गया है, सॉलिडिफाई हो गया है। ओके, ये मैंने आपको दिखाने के लिए बनाई थी। तो क्या होगा, अब ये अगार जब सॉलिडिफाई हो जाएगा, मैं इसको बंद कर रही हूँ क्योंकि कंटेमिनेशन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये अगार के सॉलिडिफाई होने के बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं, अपनी जो हमारा कल्चर है उसको स्ट्रीक कर सकते हैं, है ना, उसको स्प्रेड कर सकते हैं, है ना। तो मैं आपको इस पर दिखाऊंगी स्ट्रीक प्लेट मेथड और पोर प्लेट मेथड, या फिर मैं आपको एक फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको क्या सिखाने वाली हूँ, यस, सीरियल डाइल्यूशन मेथड। तो उसमें मैं दिखाऊंगी कि कैसे कॉलोनी डिक्रीज होती है। अब इन प्लेट्स को हमें क्या करना है, 1 आवर्स के लिए कहाँ पर प्लेस कर देना है, रेफ्रिजरेटर में प्लेस कर देना है। ओके, उसके बाद क्या होना है, इन जो हमारी पैटरी प्लेट हैं इनको हम स्टोर कर सकते हैं, कब तक के लिए, 6 मंथ के लिए। ओके, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इनके सॉलिडिफिकेशन के बाद मैं इनको प्लेस करने वाली हूँ रेफ्रिजरेटर में। मीडिया सॉलिडिफाई हो गया है तो मैं इनको क्या कर रही हूँ, ये देखिए, अपनी प्लेट्स को हमें क्या करना है, मार्क करना है विद द हेल्प ऑफ, यस, जो भी हमारा मार्कर है। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले प्लेट्स पे क्या लिखना है, मैं ये वाली प्लेट ले रही हूँ। ओके, प्लेट पे क्या लिखना है, नेम, कौन सा मीडिया है ना, और क्या करना है, हमें डेट डालनी होती है क्योंकि ये 6 मंथ रखिए, हमें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद हमें क्या करना होता है, इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आज क्या है, आज है 7 जैन, तो मैं ये डाल रही हूँ 2020। एंड देन उसके बाद हमें क्या करना होता है कि अगर हमारे कोई स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए हमने प्रिपेयर करके रखी हैं तो हम अपना एक्सपेरिमेंट इस पर मार्क करेंगे और देन इसको हमें क्या करना है, प्लेस कर देना है। दूसरा तरीका क्या होता है कि हमें इनको क्या करना है, एक लाइन में रखना है, जैसे कि ये फ़िलहाल 4 प्लेट में मार्क कर रही हूँ और इनको क्या करूँगी, मैं एक साथ मार्क कर दूँगी। ओके, और एक प्लेट पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है ना कि नेम, इससे क्या होगा कि मैं, मुझे अलग अलग प्लेट पर लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, मेरी जो लास्ट पैटरी है या फिर मैं इस पैटरी को क्या करूँगी, स्टार्टिंग में प्लेस कर दूँगी। तो जिससे क्या होगा कि मैं पहली पैटरी जब उठाऊँ तो क्या होगा, मुझे पता रहेगा कि मैंने इस पर मार्क किया हुआ है कि इसका ये मैं नेम यूज़ कर रही हूँ, कौन सी डेट है। अगर आपकी लैब में बहुत सारे लोग काम करते हैं तो इस पर आप अपना नाम भी मार्क कर सकते हैं, जिससे सबको क्या पता रहे कि ये किस पर्टिकुलर ABCXYZ जो भी पर्सन है उसने ये पैटरी प्लेट को प्रिपेयर किया है। तो अभी इन पैटरी प्लेट को मुझे क्या करना है, सबको उठाना है 1 by 1। अगर आपके पास पैराफिल्म है, क्या करेंगे, उसको यहाँ पे अच्छे से प्लेस कर दीजिए। फिल्म इस पर पैराफिन नहीं लगा रही हूँ और उसको डायरेक्टली क्या कर रही हूँ, रेफ्रिजरेटर में प्लेस कर रही हूँ। रेफ्रिजरेटर में हमें क्या करना है, सिर्फ 1 आवर्स के लिए रखना है, जिससे क्या हो, जिसका टू अवॉइड इट्स मॉइस्चर। ओके, तो मुझे क्या करना है, 1 आवर के लिए रखना है।
इसको रेफ्रिजरेटर में, फिर रेफ्रिजरेटर से इसको क्या कर लेना है, बाहर निकाल देना है, और वापस से इसको क्या कर दूँगी मैं अपने लेमिनार एयर फ्लो में रख दूँगी, जिससे क्या होगा जब भी मुझे एक्सपेरिमेंट में, अलग अलग एक्सपेरिमेंट में इनको यूज़ करना हो तो मैं क्या करती हूँ ना, यूवी लाइट भी ऑन करती हूँ, तो उसमें जो पहले से माइक्रोऑर्गेनिज्म अगर कंटेमिनेशन की वजह से गए भी होंगे तो वो भी किल हो जाएंगे, और जब भी एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करना है मैं इसको डायरेक्टली यूज़ कर पाऊँगी। तो अभी मैं इनको लेके चल रही हूँ रेफ्रिजरेटर में। तो अभी मैंने अपना रेफ्रिजरेटर ओपन कर लिया है और मैं यहाँ पे अपनी प्लेट्स को क्या कर रही हूँ, स्टोर कर रही हूँ। ओके, दूसरी बात, इनको स्टोर कैसे करना है, इन्वर्टेड पोजिशन में। ओके, और इनको क्या करना है, 1 आवर के लिए रखना है। आफ्टर 1 आवर मैं इनको वापस से कहाँ पे लेके जाऊंगी, अपने लेमिनार एयर फ्लो में, और वहीं पे इसको प्लेस कर दूंगी। सो अभी हमारा 1 आवर बीत चुका है, तो मुझे क्या करना है, इन पैटरी प्लेट्स को रिमूव करना है वापस से अपने रेफ्रिजरेटर से, और इसको कहाँ लेकर के जाना है, मुझे वापस से लेकर के जाना है अपने लेमिनार एयर फ्लो में। बहुत ध्यान से उठाएं अपनी पैटरी। तो मैं इनको प्लेस कर रही हूँ पीछे की साइड अपने लेमिनार एयर फ्लो में। ओके, अगर इस कंडीशन में भी आप कर सकते हैं इसको मार्क, चाहे आपने जहाँ पे पहले किया था वहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, और मैंने इस पर लिख दिया यहाँ पे नैम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू प्रिपेयर अगार पैटरी प्लेट्स, या फिर हम कह सकते हैं न्यूट्रिएंट अगार प्लेट्स। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। इस टेक्निक को हम क्या कह सकते हैं कि फॉर पोरिंग अगार। ओके, पोरिंग अगार इन टू पैटरी प्लेट। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, और जल्दी से कमेंट करके बताना है।